अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ तंदूरी पोटैटो ब्रेड। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है फूडी हिट के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। अब पोटैटो मिक्स बनाने के लिए ये सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके छिलके उतार के इसको एक बॉल में रख दिया है। अब मैं इसको मैश करूँगी। मैश कर लिया है मैंने इसको। इसके बाद मैं अप टू 3 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ पैन में। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ऐड कर लिया है। इसमें अब 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तब तक कि पूरा मसाला पकना जाए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर मैश पोटैटोज़ डालूंगी जो कि मैंने मैश किए थे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम बहुत लो हो, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून और कुछ हरा धनिया बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं डो की तरफ जिसके इंग्रेडिएंट्स ये गिवन हैं। मैं यहाँ आपको डो नहीं बनाना बताऊँगी क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डो बना चुकी है चिकन चीज़ ब्रेड रोल में, जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको जाके देखिए। और पूरा प्रोसीजर वैसा ही है। मैंने फिर इस डो के छोटे छोटे बॉल्स बना ली हैं। मैं यहाँ पे एक बॉल लूँगी, इसको मैं रोल आउट करूँगी, बेलूँगी। उसके बाद मैं कुछ इस तरह फोर्क से इस पर मार्क करूँगी, ये आप देख सकते हैं। अब आप इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। पहले इसको टर्न बैक करेंगे, पलटेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद मैं इस पर केचप लगाऊंगी और वो पोटैटो मिक्स इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी वन साइड से, ये देखिए आप। अब आप इसके चाहें जितने चाहें बना सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे बना ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है जो मैं इसके टॉप पे लगाऊंगी। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इसको बेक करेंगे 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव में और 30 मिनट के लिए कुकर में। आप किसी भी तरह से बेक कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद आप ये देखें ये बेक हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।